एनिमल हायरकी फर्स्ट अकाउंटेंट्स डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनोमी दैन द क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल्स हायरकी ऑफ क्लासीफिकेशन द स्पीशीज एंड द जीनस तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करवा हायरकी हायरकी कहते हैं कि किसी भी एक स्पेशल अरेंजमेंट जिसमें आमतौर पर हम लो से हाई या हाई से लो की तरफ जाए वो मूव करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली देर आर स्माल ग्रुप्स कोई एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट का एक हेड है हेड के बाद उसका एक टोटल फैकल्टी आ जाएगी फैकल्टी के बाद आगे फर्दर एक पूरी यूनिवर्सिटी आ जाएगी और फिर इवन यूनिवर्सिटीज़ के बाद एक पूरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा यानी एजुकेशन सेक्टर में भी हमें एक डिफरेंट हायर आर्की मिलती है इवन विद इन कॉलेज विद इन यूनिवर्सिटी हमें हायर आर्की अगर हम देखें देर आर द स्टूडेंट्स देर आर द टीचर्स टीचर्स के बाद आगे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स उसके बाद डीन्स एंड द वाइस चांसलर सो ये जो हमारे पास एक डिफरेंट अरेंजमेंट है ग्रुप्स की इसको हम सिंपली क्या कहते हैं ये हायरकी जो एक सीक्वेंस वाइज जो है वो अरेंजमेंट है ये सो इन द एनिमल क्लासिफिकेशन हर को डिस्कस करने से पहले लेट वी डिस्कस सम बेसिक टर्म्स टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड द नॉर्मल क्लेचर ऑफ एनिमल्स कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के उनके साइंटिफिक नेम्स यानी उनकी नॉर्मल क्लेचर डिस्कस करते हैं और इसके अलावा इसका जो है वो क्लासिफिकेशन को किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसको डिस्कस किया जाता है सो वाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज एक्चुअली द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स एंड द सब ग्रुपिंग टू मीन इट इज़ द टू कीप द एनिमल्स इन टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलरिटीज नॉर्मली दे आर दोज एनिमल्स विच आर वेरी क्लोज टू इच अदर दे आर प्रेजेंट इन वन ग्रुप एंड द डिफरेंट एनिमल्स वीच आर हैविंग

कि उसके ऊपर हम जो बात करते हैं दैट इज़ अ डोमेन्स हैं ठीक है थीक? लेकिन जो एनिमल्स के अंदर जो प्रॉपर हायरकी हमें मिलेगी डोमेन्स को छोड़कर सबसे टॉप के ऊपर जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है दैट इज़ अ किंगडम्स है और सबसे जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे स्मॉल ग्रुप हमें मिलता है दैट इज़ द स्पीशीज़ है तो हायरकी ऑफ रिलेटेडनेस में अगर हम देखें द क्लोजेस्ट एनिमल्स दे आर प्रेजेंट इन वन स्पीशीज देन डिफरेंट स्पीशीज दे आर मेकिंग अ जीनस

रिलेटेडनेस सिमिलरिटीज़ उतनी ही मैक्सिमम होंगी जितना बड़ा ग्रुप होगा क्लासिफिकेशन का उसके अंदर सिमिलरिटीज उतनी ही कम होती चली जाएंगी तो सबसे जो क्लासिफिकेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज एक्चुअल स्पीशीज़ अब एक स्पीशीज़ के अंदर नॉर्मली दोज मेंबर्स आर प्रेजेंट विच कैन इंटरब्रीट विद ईच अदर एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इन स्पीशीज़ जो है अगर हम देखें क्लासिफिकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसमें के जो मेंबर्स हैं मेंबर ऑफ वन स्पीशीज़ दे कैन इंटरब्रीड विद इच अदर एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग अच्छा स्पीशीज के लेकर और हम वर्ड यूज करते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट का मतलब यह है कि जो स्पीशीज़ के मेम्बर्स होते हैं वो दूसरी स्पीशीज के मेम्बर से ब्रीडिंग नहीं करते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए वह सिर्फ अपने स्पीसीज मैंबर के दरमियान ही होती है अब देर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ जमीन के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं अगर हम जब डाइवर्सिटी बायोडावर्सिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली बायोडावर्सिटी में नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं अर्थ के ऊपर जैसे अभी जो रिसेंट हमारे पास है, कैलकुलेशन हैं दे आर सेंग दैट द नंबर ऑफ टोटल स्पीशीज़ ऑन अर्थ दैट इज़ मोर देन वन पॉइंट सेवन फोर मिलियंस वन पॉइंट सेवन फोर मिलियन से ज़्यादा जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं में से एक स्पीशीज़ जो ह्यूमन है ऑल द ह्यूमन दे बिलोंग टू वन स्पीशीज़ अच्छा स्पीशीज़ की कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्श रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं अब जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते उसके ऊपर हम ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि विद इन स्पीशीज रिप्रोडक्शन सिर्फ वही करेंगे जो कि सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन एनिमल्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस बाई सेक्शुअल मीन्स ए सेक्शुअल के साथ साथ उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मैथड मौजूद है सो ऑल द एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डेफिनेशन हम इस जो ये डेफिनेशन जो है उसके ऊपर बिल्कुल पूरी उतरती है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज दे आर इोडक्टिव आइसोलेटेड फ्राम द अदर स्पीशीज ओके द नेक्स्ट वन इज द जीनस स्पीशीज के, okay, के बाद जो हायर जो ग्रुप है क्लासिफिकेशन का सबसे जो लोअर लोएस्ट ग्रुप है दैट इज द स्पीशीज स्पीशीज के बाद जो हाईएस्ट इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर ग्रुप चले जाएंगे हायर लेवल के ऊपर दैट इज द जीनस डिफरेंट स्पीशीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर विच आर रिजेंबलिंग विद ईच अदर दे आर ग्रुप्ड टूगेदर टू फॉर्म आर जीनस तो एक जीनस के अंदर मिलती जुलती रिलेटेड स्पीशीज जो है वो मौजूद होती हैं इससे वी कैन से द रिलेट स्पीशीज दे मेक आ जीनस जीनस का जो है एक जीनस है ज़्यादा हो तो इसको हम क्या कहेंगे जेनरा कहेंगे यहाँ जैसे मैं एग्जाम्पल में अपने सामने मौजूद है जीनस पेंथरा अच्छा पेंथरा जो है ये जो वाइल्ड कैट्स हैं जो यानी हमारे पास लाइन्स जो है वो या टाइगर्स की फैम जो है वो ग्रुप है तो इसकी जीनस जो है वो पैंथरा है इस तरह से ह्यूमन की जो जीनस है जिसका होमो होमोसेपियंस तो होमो बेसिकली क्या कि ह्यूमन या हमारी जीनस का नेम है तो लेट वी डिस्कस द पैंथरा पैंथरा जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी द जीनस पैंथरा जीनस पैंथरा के अंदर आपके लाइन्स हैं टाइगर्स हैं जेगोर्स लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड ये डिफरेंट आप देख सकते हैं कि स्टॉप के ऊपर आपको लाइन लाइन के साथ टाइगर दैन जेगोर देन लेपर्ड और सबसे डाउन जो है वो एंड के ऊपर लेपर्ड अब ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इनके जो है वो आपस में जाकर जेनेटिक मेकअप और बाकी जो एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत हद तक मिलते जुलते हैं इस बेस के ऊपर हमने सबको एक ही जो है वो जीनस के अंदर रखा दैट इज द जीनस पैंथरा